नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर सीरीज में आपका स्वागत है और भारत के भूगोल विषय पर आधारित एफटीआर सीरीज के तहत ये दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो पर भारत के भूगोल विषय के किन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे उस पर एक नज़र हम डाल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि उस पहले वीडियो पर हम उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को डील करेंगे जो कि भारत के भौतिक विभाजनों में से सबसे पहला भौतिक भाग बनता है और बाकी भागों पर चर्चा हम दूसरे वीडियो पर करेंगे। और ये वही वीडियो है जिसमें हम भारत के अन्य भौतिक भागों पर आधारित प्रश्न को यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। जो टॉपिक हम यहाँ पर डील करने वाले हैं इस भारत के भौतिक विभाजनों पर आधारित, वह होगा दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ, पठार और द्वीप समूह। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, और चार ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं और सबसे सही ऑप्शन को चूज करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्लियर है? जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? हिमालय, अरावली, विंध्य एवं सतपुड़ा। क्लियर है? पूछा गया है प्राचीन पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय के बारे में अगर आपको पता होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, तो ये श्योर तरीके से आप कह सकते हैं कि हिमालय तो सही उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति सबसे नवीनतम काल पर या फिर नवजीवी काल पर या फिर सेनोजोइक एरा पर हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय का विकास हमें सेनोजोइक एरा के टर्शियरी पीरियड पर देखने को मिलता है और यह जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे नवीनतम युग माना जाता है। क्लियर है? तो हिमालय तो नहीं होगा क्योंकि ये प्राचीन नहीं, बल्कि अगर प्रश्न में सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला पूछा जाता तो बेशक आप आंख मूंद के हिमालय को चुन सकते थे। क्लियर है? अब बाकी के जो तीन ऑप्शन है, जो तीन पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिल रही है, ये प्रायद्वीपी भारत के हिस्से हैं। प्रायद्वीपी भारत भारत के सभी भौतिक विभाजनों में से सबसे प्राचीन भाग है। अब ये तीनों ही पर्वत श्रृंखला प्रायद्वीपी भारत के हिस्से हैं, तो इन तीनों में से चुनना थोड़ा सा जटिल हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अरावली का निर्माण हमें सिलुरियन टाइम पीरियड पर देखने को मिला था, सिलुरियन पीरियड पर देखने को मिला था। और ये सिलुरियन पीरियड किसके अंतर्गत था? तो ये पूरा जीवी काल या फिर आप कह सकते हैं पैलियोज़ोइक एरा के अंतर्गत था। क्लियर है? और सिलुरियन टाइम पीरियड पैलियोज़ोइक एरा का सबसे प्राचीनतम भाग है और सबसे सही उत्तर, सबसे सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो दिखता है वो अरावली ही दिखता है, क्योंकि अरावली के बाद, ज्यादा समय बाद नहीं लेकिन उसके बाद ही विंध्य और सतपुड़ा का भी निर्माण हुआ था, लेकिन सबसे प्राचीनतम जो हमें पर्वत श्रृंखला देखने को मिलता है वह अरावली है। अरावली को एक और व्याख्या दी जाती है, वह ये है कि अरावली प्राचीन होने के साथ साथ में प्राचीनतम मोड़दार पर्वत का उदाहरण भी है। माना यह जाता है कि जो अरावली आज आप वर्तमान समय पर देख रहे हैं, जिसका विस्तार हमें गुजरात से लेकर दिल्ली तक देखने को मिलता है, यह अरावली अपने वास्तविक समय पर, अपने रियल टाइम पर, अपने पीक फेस पर बहुत ज्यादा विस्तृत था, बहुत बड़ा था। और आज जो आप अरावली देखते हैं वो मात्र बचा खुचा भाग ही है अरावली का, और इसीलिए अरावली को अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण भी कहा जाता है, एग्जाम्पल ऑफ रिलिक्ट माउंटेन, अर्थात बचा खुचा पर्वत। क्लियर है? चलिए दूसरे प्रश्न में आते हैं। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और बहुत सरल है। तो देखिए, प्राचीन पूछा गया है तो हिमालय का पर्वत तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या देखा है कि हिमालय का पर्वत बना है टर्शियरी पीरियड पर। क्लियर है? उत्तर भारत का विशाल मैदान भी नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर भारत का विशाल मैदान अपने वास्तविक रूप में विस्तृत हुआ है, निर्मित हुआ है हिमालय की उत्पत्ति और विकास के पश्चात, अर्थात टर्शियरी पीरियड के बाद जो पीरियड आया था जिसे हम क्वार्टरनरी पीरियड कहते हैं, इस पीरियड पर हमें उत्तर भारत का विशाल मैदान निर्मित होता हुआ दिखता है। और इसके निर्माण पर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी वह हिमालय की नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण
के द्वारा निभाई गई थी। क्लियर है? तो इसलिए ये दोनों ही आप नहीं सही चुनेंगे, इसे सही ऑप्शन सही उत्तर के रूप में नहीं देखेंगे। और ये दोनों पीरियड किसके अंतर्गत आता है? तो सेनोजोइक एरा के या फिर नवजीविक काल के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अब आपके सामने दो ऑप्शन शेष रह जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर बात कर लेते हैं। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान भारत के पूर्व पर स्थित मैदान होगा। और इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो जो विशाल नदियां हैं जो उद्गमित हुई हैं पश्चिम से, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पश्चिम से उद्गमित होने के बाद एक लंबा मार्ग तय करते हुए अरब सागर पर जाकर गिर जाती है। और अपने इतने लंबे मार्ग पर ये कई सारे अवसाद अपने साथ ग्रहण किए हुए प्रभावित होती हैं। और अरब सागर में मिलने से पूर्व ये अवसादों का निक्षेपण कर देती है। और यही निक्षेपित भाग पूर्वी तट पर मैदान के स्वरूप में हमें देखने को मिलता है। तो जब प्रायद्वीपी भारत बना होगा, उसके बाद वहां नदियां बही होंगी, उसके बाद पूर्वी तट पर हमें मैदान देखने को मिला होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वी तटीय मैदान के बनने से पूर्व क्या अनिवार्य है? प्रायद्वीपी भारत का उपस्थित होना। तो पूर्वी तटीय मैदान से ज्यादा पुराना हमें क्या दिख रहा है? भारत का प्रायद्वीपी पठार। और सही उत्तर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, भारतीय प्रायद्वीपी पठार। सबसे प्राचीन भाग भारत के सभी भौतिक विभाजनों में से वो कौन सा है? तो वह है प्रायद्वीपी भारत या प्रायद्वीपी पठार। क्लियर है? उम्मीद है, आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। किसी भी प्रकार की कोई चुनौती या समस्या आपको हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन पर बेझिझक पूछ सकते हैं और हम उसका उत्तर बिल्कुल आपको देंगे रिप्लाई के माध्यम से। तभी ये एफटीआर सीरीज का उद्देश्य परिपूर्ण हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। चार ऑप्शन दिए हैं, चार पर्वत श्रेणियां हैं और इन पर हमें बात करनी है और चुनना है कि नर्मदा और तापी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थापित है। तो ये मानचित्र है, हो सकता है आपको थोड़ा ये छोटा दिखे, इसे जूम करने का मैं प्रयास करता हूं। ठीक है, देखिए ये जो आप नीले रंग की रेखा देख रहे हैं, ये कौन सी नदी है? तो यह नर्मदा नदी है। क्लियर है? और ये जो नीली रेखा आप देख रहे हैं, ये कौन सी नदी है? तो ये तापी नदी है। और इन दोनों नदियों के मध्य आपको क्या दिख रहा है? तो आपको दिख रहा होगा सतपुड़ा। क्लियर है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो नर्मदा और तापी के मध्य सतपुड़ा है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार यह भी पूछा जाता है कि नर्मदा किसके किसके मध्य स्थापित है, किसके किसके बीच प्रभावित होती है। तो उत्तर में आप विंध्यन और सतपुड़ा को चुनेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि विंध्यन, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा और उसके दक्षिण पर आपको तापी नदी दिखेगी। तो ये बताया गया जानकारी के आधार पर अगर उस प्रश्न का सही उत्तर आपको चुनना हुआ तो काफी सरलता से, काफी आसानी से आप ऑप्शन बी को सही उत्तर मानकर चुन लेंगे और दो अंक अर्जित कर लेंगे कि नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, सीक्वेंस हमें यहां पर चेक करना है। जो पहाड़ियां दी गई हैं वो कौन कौन सी है? तो नलमल्लाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां और अन्नमल्लाई पहाड़ियां। ठीक है, तो हम उसी मानचित्र की सहायता से इसका उत्तर भी खोजने का प्रयास करते हैं। दक्षिण पर हम चले आते हैं क्योंकि सारी पहाड़ियां दक्षिण भारत की हैं और यहां पर आप उसे देख सकते हैं। चलिए आपको यहां पर क्या दिख रहा है? तो यह है नलमल्ला हिल। उसके दक्षिण पर आपको क्या दिखेगा? पलकोंडा। पलकोंडा के दक्षिण पर आपको दिखेगा जावड़ी हिल्स। उसके दक्षिण पर आपको दिखेगा शेवरॉय और शेवरॉय के दक्षिण पर आपको दिखेगा अन्नमल्लाई हिल्स। तो नलमल्ला सबसे उत्तर पर है, फिर जावड़ी है, फिर शेवराय है और फिर अन्नामलाई है। क्लियर है? तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो सकता है, कौन से ऑप्शन पर दिया गया है, तो उसके लिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि नलमल्लाई पहाड़ी, फिर जावड़ी पहाड़ी, फिर नीलगिरी और फिर अन्नमलाई। तो सबसे सही
जो अनुक्रम हमें देखने को मिलता है उत्तर से दक्षिण पे स्थित विस्तारित पहाड़ियों का, वह दिखता है ऑप्शन सी पर। ठीक है, नीलगिरी भी आप यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पर नीलगिरी आपको दिखेगा अन्नमलाई के उत्तर पर। ठीक है, चलिए नीलगिरी अन्नमलाई के उत्तर पर दिखेगा। यह प्रश्न लेने का जो तर्क है वो ये है कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं पहाड़ियों के ऊपर, पहाड़ियों पर आधारित, कई बार सर्वोच्च चोटी पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे दक्षिण पर विस्तार कौन सी पहाड़ी, ये भी पूछा जाता है, और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम पहाड़ियों के विस्तार पर आधारित भी प्रश्न पूछा गया है। और इस तरीके के पैटर्न से आपको अवगत कराने के प्रयास के कारण इस तरीके के प्रश्न का चुनाव किया गया है इस एफटीआर सीरीज में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से मिलता है, पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है, पालनी पहाड़ी, अनाईमुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी एवं शेवराय पहाड़ी। तो इसके उत्तर के लिए भी हम उसी इमेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, नीलगिरी आपको दक्षिण पर देखने को मिलेगा, क्लियर है, ये रही नीलगिरी पहाड़ी। अब नीलगिरी पहाड़ी पर आप देख रहे होंगे कि ये जो पश्चिम से आता हुआ पश्चिम घाट है और पूर्व से आता हुआ पूर्वी घाट है, इसके बाद विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद नीलगिरी के दक्षिण पर जो पर्वत आपको देखने को मिल रहे हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र आपको देखने को मिल रहे हैं, उसका आप पृथक विभाजन नहीं कर सकते कि यह पश्चिमी घाट का भाग है या पूर्वी घाट का भाग है। और आप ये मानकर चलते हैं कि नीलगिरी के दक्षिण पर या नीलगिरी के बाद हमें ना तो पश्चिमी घाट ना तो पूर्वी घाट, बल्कि दोनों का संयुक्त रूप देखने को मिलता है, और इसलिए हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी वह अंतिम छोर है जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन हो जाता है, जहां पर उनका संगम हो जाता है, और उसके बाद हमें जो भाग दिखता है उसे दक्षिणवर्ती या दक्षिण भारत के पहाड़ियों के श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है और उसी के तहत उसे देखा और पढ़ा जाता है। क्लियर है, तो सही उत्तर उस प्रश्न का क्या होगा, तो सही उत्तर उस प्रश्न का होगा नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यह अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। सामान्य तौर पर छात्र इस सही है और सही नहीं है जैसे प्रश्नों पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर अनदेखा कर जाते हैं, एक सिली मिस्टेक है, लेकिन इस सिली मिस्टेक का खामियाजा बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की सिली मिस्टेक आप नहीं करेंगे, इसलिए प्रश्नों को स्थिर बुद्धि से, चैतन्य बुद्धि से एक बार बारीकी से पढ़ेंगे जरूर, चाहे वो कितना ही इजी क्यों ना हो, चाहे आपको पढ़ने के बाद ऐसा क्यों ना लगे कि अरे ये तो मुझे समझ में आ गया था, फालतू ही मैंने इतना समय बर्बाद किया इसे पढ़ने पर, भले ये फील आए, लेकिन पढ़ जरूर लेना। 2 घंटे का समय बहुत होता है, पर्याप्त होता है हर एक प्रश्नों को बारीकी से देखने के लिए, समझने के लिए और उसके उत्तर पर विचार करने के लिए। क्लियर है, तो चलिए, सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, इस स्टेटमेंट को रोक देते हैं। पश्चिमी घाट में अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है और यह क्या है, सही उत्तर है। क्लियर है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण पर स्थित है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले प्रश्न पर आपको यह समझाया है। नर्मदा नदी तथा तापी नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है। देखिए, अगर आप भारत के मानचित्र पर देखें तो विंध्यन पर्वत के दक्षिण पर हमें नर्मदा नदी प्रभावित होते हुए दिखेगी, फिर हमें दिखेगा सतपुड़ा, और सतपुड़ा के दक्षिण पर जो नदी प्रभावित होती है वो कौन सी है, तापी या फिर ताप्ती भी इसे आप कह सकते हैं। क्लियर है, इन दोनों नदियों की एक विशेषता है, यह विशेषता यह है कि ये दोनों नदियां प्रायद्वीपी भारत की ऐसी नदियां हैं जो ढाल के विपरीत प्रभावित होती है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीपी भारत का जो ढाल है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है, और उदाहरण के तौर पर आप गोदावरी महानदी, कृष्णा कावेरी नदी के प्रवाह मार्ग को आप देख सकते हैं, पूर्व की ओर ढाल होने की वजह से ये उद्गमित होती हैं पश्चिम से, लेकिन पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं। लेकिन जब हम
नर्मदा और तापी को देखते हैं तो अपवाद स्वरूप यह प्रायद्वीपी भारत के ढाल के विपरीत दिशा में प्रभावित होती है, अर्थात पूर्व से उद्गमित होकर पश्चिम की ओर प्रभावित होती है और खंबात की खाड़ी में जाकर यह अरब सागर से मिल जाती है। अब ये अपवाद स्वरूप विशेषता इनकी कैसी बनी, तो सामान्य तौर पर ये रिफ्ट घाटी को अपना मार्ग बनाकर बहने वाली नदियां हैं। इनको ये जो ढाल प्रदान किया गया है इस बहाव के लिए, इस प्रवाह के लिए, वो रिफ्ट घाटी ने प्रदान किया है। रिफ्ट घाटी क्या होती है, रिफ्ट वैली क्या होती है, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसकी व्याख्या यहां पर करना थोड़ा सा लाजमी नहीं होगा, नहीं तो वीडियो का लेंथ किसी और दिशा पर निकल जाएगा, किसी और डायरेक्शन पर टॉपिक भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है, ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। देखिए ऐसा नहीं है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक हमें दक्षिण क्षेत्र पर देखने को मिलती है। अभी इसके बारे में आपने कहाँ सुना होगा, तो इसके बारे में आपने मानसून के समय पर सुना होगा। जब हम मानसून के आगमन पर चर्चा करते हैं तब हम ये देखते हैं कि दक्षिण भारत पर या दक्षिण भारत में अरब सागर की मानसूनी शाखा प्रवेश सामान्य तौर पर नहीं कर पाती, क्योंकि ये पश्चिमी घाट की ऊंचाई उसे बाधित करती है, उसे रोक देती है। लेकिन अरब सागर की जो उत्तरी शाखा है या जो मध्यम शाखा है वह भारत में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है उसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम है और गैप भी है, तो यहाँ से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो पवने हैं ये प्रवेश कर जाती है। तो अगर उसकी ऊंचाई अधिक होती तो वहाँ से भी मानसून की जो पवने हैं, जो शाखा है, वह प्रवेश नहीं कर पाती। क्लियर है, तो अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र कम ऊंचाई पर है और यह जो कथन है वह क्या है, गलत है। और गलत कथन को ही चुनना था सही उत्तर के तौर पर, वो हमने चुन लिया, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है सदर मोस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम या नलमलाई। इसके लिए फिर से हम उसी इमेज की तरफ चलते हैं और यहां पर हम जूम करके इसे देखते हैं। क्लियर, देखिए ये आपको सबसे दक्षिण पर कौन सी पर्वत श्रेणी दिख रही है, तो वह है कार्डमम हिल्स। ठीक है, अन्नामलाई उसके उत्तर पर है, नीलगिरी अन्नामलाई के उत्तर पर भी है और नीलगिरी के उत्तर शेवरा दिखेगा। तो भारत की जो सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी है वो कौन सी है, तो वह है कार्डमम पहाड़ी या कार्डमम हिल्स। क्लियर है, तो सही उत्तर उस प्रश्न का कार्डमम हिल्स होगा। इस मानचित्र से हमने ये इस चीज को समझ लिया, तो सही उत्तर के तौर पर आप कौन सा ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन सी। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। कहां से, पूर्व से आएंगे पश्चिम की ओर। ठीक है, स्पेलिंग देख लेंगे आप, पूर्व से पश्चिम की ओर हमें सही क्रम देखना है। तो चलिए हम पहले पहाड़ियों का क्रम देख लेते हैं। देखिए सबसे पूर्व पर स्थित हमें कौन सी पहाड़ी दिख रही है, तो वह है नामचा बारवा। नामचा बारवा के पश्चिम पर आएंगे तो कंचनजंगा दिखेगा सिक्किम पर स्थित। यह नामचा बारवा का विस्तार आपको अरुणाचल प्रदेश पर देखने को मिलेगा। कंचनजंगा के पश्चिम पर मकालू, मकालू के पश्चिम पर स्थित माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट के पश्चिम पर स्थित अन्नपूर्णा, उसके पश्चिम पर धौलागिरी। क्लियर है, सिर्फ इस जानकारी के आधार पर क्या हम उत्तर का सही उत्तर खोज सकते हैं इस प्रश्न का, तो देखते हैं। पश्चिम से पूर्व पूछा गया है तो धौलागिरी तो काट दीजिए, क्योंकि यह तो काफी पश्चिम पर स्थित है तो यहां से शुरू तो नहीं होगा। ठीक है, मकालू भी काट देते हैं, नामचा बारवा से शुरू करेंगे तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हमारे सामने आ जाता है। अब नामचा बारवा कंचनजंगा दोनों में सेम है, यहां तक डाउट होगा। फिर नंदा देवी और माउंट एवरेस्ट, तो ये साबित हो गया कि सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि नंदा देवी का आप जब स्थिति देखेंगे, नंदा देवी की स्थिति देखेंगे तो आपको भारत में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड वाले क्षेत्र पर देखने को मिलेगा और माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा नेपाल क्षेत्र पर। ठीक है, तो सही उत्तर इस प्रश्न का है ऑप्शन डी, नामचा बारवा सबसे पूर्व में,
फिर पश्चिम की ओर जाते रहेंगे तो कंचनजंगा और पश्चिम में माउंट एवरेस्ट और सबसे पश्चिम पर नंदा देवी देखने को मिलेगा दिए गए सभी पर्वत चोटियों के आधार पर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस युग पर? क्लियर है? तो देखिए यहां पर प्लिस्टोसीन, कार्बोनिफेरस, मायोसीन और क्रिटेशियस युग दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि प्लिस्टोसीन और मायोसीन ये तो सेनोजोइक एरा का पार्ट है, तो इसमें ये नहीं होगा। क्रिटेशियस युग और कार्बोनिफेरस युग यहां पर दो बज गए। कार्बोनिफेरस युग को अगर आप देखें तो यह पैलियोजोइक एरा के अंतर्गत पीरियड है। ठीक है, कार्बोनिफेरस के बाद परमियन आता है और उसके बाद मेसोजोइक शुरू होता है। तो मेसोजोइक या मध्यजीवी काल के अंतर्गत हमें तीन पीरियड देखने को मिलते हैं और वह कौन कौन से हैं? तो ट्रायसिक, जुरासिक एवं अंतिम जो पीरियड देखने को मिलेगा वह है क्रिटेशियस। क्लियर है? इस क्रिटेशियस टाइम पीरियड पर जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी वह क्या थी कि भारतीय प्लेट ये छोटा सा भारतीय प्लेट और ये है गोंडवाना लैंड। ठीक, भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से क्या हुई थी, अलग हो गई थी और उत्तर की ओर यह भारतीय प्लेट बढ़ने लगा था। अपने इस उत्तर की दिशा के सफर पर यह भारतीय प्लेट एक रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से गुजरता है। रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से यह भारतीय प्लेट गुजरेगा। यह रीयूनियन आइलैंड जो है, जो द्वीप है, उसकी विशेषता क्या है कि यह ज्वालामुखी द्वीप है। ज्वालामुखी का यहां पर आपको इरप्शन देखने को मिलेगा। तो जब यूरियन आइलैंड के ऊपर से यह भारतीय प्लेट गुजर रही थी तब यह ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला, लावा का इरप्शन हुआ, लावा का उत्सर्जन हुआ और वही लावा जब भारत के प्रायद्वीपी भारत पर जब लेयर बाय लेयर सॉलिडिफाई हुआ, उसका शीतलीकरण हुआ, स्थलीकरण हुआ, तब वो बेसाल्ट निर्मित हमें भाग दिखा जिसे दक्कन ट्रैप या फिर दक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर हम पहुंचते हैं। अगला प्रश्न मानचित्र आधारित प्रश्न है। यहां इस मानचित्र पर कुछ लेटर से किसी रीजन को इंडिकेट कर दिया गया है और ऑप्शन पर पूछा गया है कि ए किसे डिनोट करता है, बी किसे, सी किसे, डी किसे और इसे क्रम अनुसार यहां पर चुनना है। देखिए ए जो है वो शो करता है रिफ्ट घाटी को, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसके इस रिफ्ट घाटी से क्या फ्लो होगा, तो इस रिफ्ट घाटी से फ्लो होगा नर्मदा नदी, ठीक है, एवं तापी नदी। तो ए शो करता है रिफ्ट घाटी क्षेत्र को, बी शो करता है छत्तीसगढ़ के मैदान को और छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व पर स्थित है छोटा नागपुर का पठार। तो ये सीक्वेंस सही बन रहा है, रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर पठार और अंतिम है वर्षा छाया क्षेत्र। तो वर्षा छाया क्षेत्र किसका, तो पश्चिमी घाट का। वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से भी आप इसे जानते होंगे, पर्वत की तो वर्षा की वजह से यह वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। जब मानसूनी पवने पश्चिमी घाट की ओर आती हैं तब पश्चिमी घाट इन पवनों को रोक देती है और पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र पर इन पवनों की वजह से वर्षा हो जाती है। जब पवने इन पश्चिमी घाट के पूर्व की ओर आगे बढ़ती हैं तब इन पवनों के पास आर्द्रता नहीं हो जाती, आर्द्रता कम हो जाती है और इन क्षेत्रों पर वर्षा नहीं होती, यहां पर सूखा पड़ता है या फिर वृष्टि अर्थात वर्षा उसका छाया यहां पर पड़ता है, इसलिए इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सही उत्तर आपको ऑप्शन सी पर देखने को मिलेगा, रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यह अंडमान द्वीप समूह का मानचित्र हमारे सामने रखा हुआ है। ठीक है, उत्तरी अंडमान,
सबसे उत्तर पर उत्तरी अंडमान पर हमें सैडल पीक दिखेगा, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, और यह अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। क्लियर है? फिर आपको मध्य अंडमान देखने को मिलेगा, और इस उत्तर अंडमान और मध्य अंडमान के पास आपको यह बैरन द्वीप देखने को मिलेगा जो कि एक ज्वालामुखी द्वीप है। वोल्केनिक इरप्शंस यहां पर देखे जा सकते हैं, हालांकि बहुत लंबे समय से नहीं देखने को मिला है, लेकिन वोल्केनिक आइलैंड या फिर ज्वालामुखी द्वीप इसे कहा जाता है। ठीक है, और इस अंडमान द्वीप समूह के सबसे दक्षिण पर या फिर आप इस लिटिल अंडमान के दक्षिण पर जो लैटिट्यूडनल या अक्षांशीय रेखा है 10 डिग्री का, उसे कंसिडर करते हैं कि इसके बाद जो द्वीप मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा, निकोबार द्वीप। तो 10 डिग्री चैनल किसे इंगित करता है, 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा को, जो कि विभाजित करता है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से। क्लियर है? अब अंतिम प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? मैंने आपको बता दिया वह क्या है, बैरन द्वीप। क्लियर है? तो इस प्रकार से प्रायद्वीपी भारत के, भारत के भौतिक विभाजनों पर आधारित महत्वपूर्ण कंटेंट के महत्वपूर्ण पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डील कर लिया है इस वीडियो के माध्यम से। ज्योग्राफी विषय के और टॉपिक पर आधारित प्रश्न आपको अगले वीडियो पर मिलेगा जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।